हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता और आप देख रहे हैं नीता सिंह्स दिल की बात। ये है मेरी ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल और आज इसकी प्रूनिंग हो रही है और जो बचे हुए ब्रांचेज है उसे मैं कटिंग तैयार कर रही हूँ। ये 45 डिग्री एंगल पे कट लगाया और 1, 2 और 3 नोट्स तक ले रहा है हमें 3 नोट, ताकि एक से तो रूटिंग होगी और बाकी एक दो से शूटिंग के लिए। ऐसे ही सारे तैयार कर लेंगे। 45 डिग्री एंगल कट लगाने से क्या होता है, टिश्यूज एरिया ज़्यादा मतलब एक्सपोज होती है, तो रूट्स में फ़ायदा होता है जल्दी निकलने में। और ये है ग्रीन अंगूर, हमारे पास दोनों वैरायटी हैं, ग्रीन वाली भी और ब्लैक वाली भी। ये है ब्लैक वाली, इसकी भी कटिंग हम बिल्कुल वैसे ही तैयार कर लेंगे जैसे ग्रीन वाले की किया हमने। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स कटिंग लगाना अंगूर की, बहुत आसानी से रूट्स रूट्स निकल जाती हैं। 1, 2, 3 फिर से वही प्रोसेस। आपको कम से कम 3 रखना ही है और आपको ब्रांचेस चूज करना है पेंसिल थिकनेस, पेंसिल जितनी मोटी हो, थोड़ा कम ज़्यादा चल सकते हैं। जैसे कि मेरा ग्रीन वाला देखिए पेंसिल से स्लाइटली मोटा है और ये ब्लैक वाली जो कटिंग है स्लाइटली पतली है पेंसिल से। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, पेंसिल जितनी मोटी ब्रांचेस से आप कटिंग तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे शूट्स निकल आए हैं। और ये है 2 हफ्ते बाद का रिजल्ट, ब्रांचेस सूट सारे बड़े बड़े हो गई हैं। और ये थोड़ा लेट लतीफ चल रहा है ग्रीन वाला, छोटा सा एक नन्हा सा सिर निकाल रहा है। और आज हो गए हैं पूरे 18 दिन फ्रेंड्स, जो नन्हा सा था वो देखिए बड़ा हो रहा है और रूट्स भी काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं सबकी। फ्रेंड्स ज़्यादातर जब हम कटिंग लगाते हैं तो पहले शूटिंग स्टार्ट होती है, रूट्स बाद में आते हैं। देखिए 3-4 में आ गए हैं, ये फट रहे हैं अभी। और ये है ब्लैक वाला, इसके भी अपडेट दिखा दूँ मैं आपको। देखिए इसकी बहुत अच्छी निकल आई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं शूट्स। और रूट्स भी देखिए सारे के तो नहीं आए रूट्स, एक दो में बहुत ही अच्छे हो गए, ये देखिए। और आज है 23वां दिन और आज मैं सोच रही हूँ ट्रांसप्लांट कर ही दूँ, 2 का करूँगी, एक ब्लैक का एक ग्रीन का, सोच रही हूँ गार्डन में लगा दूँ एक एक, और बाकी जिनकी रूट्स कम आई है उनको वापस मैं पानी में ही रख दूँगी 3-4 दिन के लिए फिर से। और जब उनमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं उसे सोच रही हूँ अपने टेरेस पे पॉट में लगाऊंगी। ये देखिए ये ग्रीन वाला का था तो इसे आज मैं गार्डन में लगा दूंगी। और ये है ब्लैक वाला, इसमें बाकी के तो भी उतने अच्छे से रूट्स नहीं आए हैं, एक बहुत अच्छा हो गया। देखिए पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए इसकी रूटिंग बस निकलने वाली है, देखिए नन्हे नन्हे झांक रही है जैसे खिड़की से, सफेद सफेद छोटे छोटे दिख रहे हैं, बाहर नहीं निकले अभी। और ये देखिए इसकी तो बहुत ही सुंदर रूटिंग भी और शूटिंग भी सब स्टार्ट हो गई है, तो इसे ही मैं अपने गार्डन में लगाऊंगी आज। और बाकी को वापस मैं रख दूंगी ग्लास में फिर से, और उन्हें मैं अलग जगह पॉट में कहीं लगाऊंगी या किसी फ्रेंड को अगर चाहिए होगा तो दे दूंगी। आज मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद करने आ गए हैं। फ्रेंड तो कैसा लगा आपको, बहुत ही है ना, बहुत ही आसान। ये भी फल वाला पौधा है तो इसे भी कम से कम 5 से 6 घंटा धूप तो चाहिए ही, और जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो उसको फिर फर्टिलाइजर चाहिए भी है भी। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।